प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। ये तो आजकल देखिए सियासी ट्रेंड है, बिला वजह की अफवाहें फैलाकर उसको अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए, वो ले लेगा सिक्योरिटी अमेरिका से, उसे कांड रहे। वो तो इस वक्त में वो भी कोई इसराइल से कम थोड़ा ही है। लेकिन आपकी तो कंट्री हिंदुस्तान तो बहुत दोस्ती दिखा रहा है इसराइल के साथ। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इसराइल के साथ कहते हैं कि हमारी दोस्ती है, गवर्नमेंट भी साथ साथ उनके नजर आती है। तो आप कुछ कहते नहीं है अपनी गवर्नमेंट को कि क्यों वो इसराइल का साथ दे रहे हैं? देखिए हमारी गवर्नमेंट तो फलस्तीन के साथ भी है, अभी 2.5 करोड़ का चंदा भी भेजा है, इमदाद भेजी फलस्तीन के लिए, और इसराइल के साथ भी है। पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कहते हैं जी हम इसराइल के साथ हैं, वो सॉरी फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन के हर मुमकिन मदद करेंगे, और बाद में कहते हैं कि जी हम इसराइल के भी साथ हैं, इसराइल हमारा दोस्त है। तो ये उनकी फौरन। अभी कुछ जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और भारतीय मौलाना साजिद रशीदी के बीच में एक बड़ी मजेदार डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सऊदी अरब बात करना चाहता है, सऊदी अरब अपने टर्म्स ठीक करना चाहता है, तो क्या आपके ख्याल से उसे कर लेने चाहिए और ईरान या किसी और कंट्री को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए मैं अगर आपको गाली दूं, सपोज एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप मेरी माँ को गाली देंगे, आप मेरी बहन, अरे मुझे दे दो भाई। अगर हम्मास ने उन पर अटैक किया था, हम्मास को खत्म करो, आप जान से मारो उनको तलाश कर करके। बेकसूर मुसलमानों को उनके स्कूलों पर, उनके हॉस्पिटल्स पर, उनकी जो रहने की जगह है उस पर, उन पर जुल्म करके कई हजार बच्चों को मार दिया उस जालिम ने, उस शैतान ने, तो आप क्या फिर भी हमदर्दी की उम्मीद रखती हैं उससे कि मुसलमान उससे हमदर्दी करेगा? पूरी दुनिया का मुसलमान खपा है उससे, उससे बड़ा शैतान दुनिया में कोई है ही नहीं। हमदर्दी ना करे, लेकिन अगर सऊदी अरब कुछ करना चाहता है तो उसको रोकने की क्या क्या जरूरत है? करने दे उनको, उनको मत है, वो क्या करने जा रहे हैं? रोकने का मतलब ये होता है, इस्लाम में कहा गया कि जालिम को जुल्म से रोकने के लिए तीन दर्जे हैं। एक दर्जा ये है कि अगर आप हाथ से पकड़कर उसको रोक सकते हो उसके जुल्म से, तो उसको रोक दो। दूसरा दर्जा ये है कि उसको जबान से रोक दो। अगर दोनों दर्जों पर आप अमल ना कर सको तो कम से कम उसको दिल में बुरा समझो कि ये गलत कर रहा है। एक आदमी शैतान के साथ हाथ मिलाने जा रहा है और मुसलमान उससे कह रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो वो तो इस्लामिक उसूलों पर अमल कर रहे हैं। अब उसका काम है कि वो माने ना माने, और वो मानेगा नहीं, हमें भी पता है, लेकिन हम अपने फर्ज से तो अदा हो जाएं, इस्लाम ने जो कहा है उससे अदा हो जाएं। हम कहते हैं भाई इसराइल के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, मिलाना चाहिए, चूंकि वो हजारों मुसलमान बच्चों का कातिल, हजारों मुसलमानों का कातिल है, सरेआम कातिल है, सारी दुनिया जानती है। तो जब वो इतने लोगों का कातिल है, लाखों लोगों का, और फिर भी आप उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं, आपको तो फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, फलस्तीन के साथ खड़े होके उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और आप उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो ये हमारा इस्लामी फरीजा है कि अगर वो गलत करने जा रहा है तो उसको गलती से रोके, नहीं माने तो वो उसका अपना काम है। मतलब उसको चाहे जान से मार दें, उसकी मर्जी नहीं सुननी, वो क्या चाहता है तो उसको कौन मार देगा? उन्होंने स्टेटमेंट तो यही दिया है कि उनकी जान को खतरा है, कोई नहीं मारेगा उसको। ये तो आजकल देखिए सियासी ट्रेंड है, बिला वजह की अफवाहें फैलाकर उसको अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए, वो ले लेगा सिक्योरिटी अमेरिका से, उसे कांड रहे। वो तो इस वक्त में वो भी कोई इसराइल से कम थोड़ा ही है। लेकिन आपकी कंट्री हिंदुस्तान तो बहुत दोस्ती दिखा रहा है इसराइल के साथ। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इसराइल के साथ कहते हैं कि हमारी दोस्ती है, गवर्नमेंट भी साथ साथ उनके नजर आती है। तो आप कुछ कहते नहीं है अपनी गवर्नमेंट को कि क्यों वो इसराइल का साथ दे रहे हैं? देखिए हमारी गवर्नमेंट तो फलस्तीन के साथ भी है, अभी 2.5 करोड़ का चंदा भी भेजा है, इमदाद भेजी फलस्तीन के लिए, और इसराइल के साथ भी है। पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कहते हैं जी हम इसराइल के साथ हैं, वो सॉरी फलस्तीन के साथ हैं,
फलस्तीन की हर मुमकिन मदद करेंगे, और बाद में कहते हैं कि जी हम इसराइल के भी साथ हैं, इसराइल हमारा दोस्त है। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। अब मुसलमान इसमें क्या कर सकता है? मुसलमान कहेगा तो फिर वही कि ये तो देशद्रोही है, ये तो आतंकवादी है, ये तो फलां का साथ दे रहा है, ये तो फलां का साथ दे रहा है। तो मुसलमान तो खामोश है, क्या कर सकता है मुसलमान? पाकिस्तान भी तो खामोश है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी तो फिर सऊदी अरब की भी हो सकती है कि ठीक है हम उनको अफसोस है फलस्तीन का, लेकिन इसराइल के साथ वो फिर भी बात करना चाह रहे हैं, तो ये उनकी भी तो फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। भाई मैंने तो कहा ना, अगर वो देखो उसको कहा ही तो जा सकता है मत करो, अगर वो नहीं मानता है तो ना माने, वो मानेगा थोड़े किसी की बात, तो वही है ना। अगर हम कहने लगे अपनी सरकार से कि भाई आप इसराइल के साथ दोस्ती छोड़ दो, तो हमें क्या अधिकार है? करे अगर उसको करना है। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं, बाअकल हैं, जिनको पता है कि इसराइल हजारों मासूमों की जानों का कातिल है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो इसका इसका मतलब तो ये कि फिर वो भारत की गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए जब वो देख रहे हैं कि इसराइल, भारत की गवर्नमेंट को भी ऐसा ही सोचना चाहिए ना, भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ प्रकरण आप देख रहे हैं उसको, मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में बैठा हुआ कंडम कर रहा है कि भाई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई सरकार से है तो आप सरकार से लड़ो ना, वहां जो माइनॉरिटी है उस माइनॉरिटी के साथ जुल्म मत करो। हम भी कह रहे हैं इस बात को, हमारी सरकार को बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी तो फिक्र है। जो भी हम भी कहते हैं कि गलत है, लेकिन उसकी फिक्र है, बाकायदा उसके लिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू है। फलस्तीन में जो मरने वाले मासूम बच्चे हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं, तो इनको क्यों फिक्र होगी उसकी? तो सीधा समझ में आने वाली बात है। इसलिए मेरा मानना यह है कि फॉरेन पॉलिसी जो है इस पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि हमें किससे कितना फायदा है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप ये देखिए कि कौन जुल्म के साथ खड़ा है और कौन मजलूम के साथ खड़ा है। आज का वक्त ऐसा है कि हर आदमी ताकतवर के साथ खड़ा होना चाहता है, वो ताकतवर चाहे कितना भी बड़ा जालिम हो, कितना भी बड़ा हत्यारा हो, हर आदमी उसके साथ खड़ा होता है। ये आम जिंदगी में भी देखते हैं लोग, बदमाश आदमी को सब आदमी सलूट मारते हैं। अगर कोई बदमाश मेरे सामने बंदूक लेके आके खड़ा हो जाए तो मैं भी सलूट मारूंगा उसको, डर की वजह से कभी जान ये गोली ना चला दे, मार ना दे, सबको डर है। तो ये तो आदमी की फितरत बन गई है वैसे। लेकिन हर जगह पे मौलाना साहब मुसलमान मुश्किल में नजर आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, वहां पर भी जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, यूरोप में भी किया जा रहा है, आजकल कहा जा रहा है कि जी कई जगह पे जर्मनी वगैरह में जो मस्जिद है उनको भी कहा गया है कि जी ताला लगा दीजिए नमाज के बाद, जैसे सऊदी अरब में होता है नमाज पढ़ी और बस ताला लगा दिया। आपको लगता है कि मुसलमान जहाँ पे मजमा जमा करते हैं वहां पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, जो इनको इकट्ठे कहीं जमा नहीं होने दिया जा रहा, कहा जा रहा है बस नमाज पढ़ो निकलो यहाँ से, लोग डरने लगे, खौफजदा होने लगे मुसलमान? मुसलमानों के साथ तो अच्छा पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छा बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छा यूएई में भी नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है मुसलमानों के साथ अच्छा? जो इस्लाम के नाम पे देश है, मुसलमान के नाम पे देश है, उनके साथ कहाँ हो रहा है अच्छा? मुसलमानों के साथ तो सब जगह ऐसा ही हो रहा है। और करने वाले हमारे सियासी कर्म फरमा है, सियासी रहनुमा है। पाकिस्तान में देखो मस्जिदों में बम फूट जाते हैं, आदमी नमाज पढ़ने जाता है और मस्जिदों में बम फूट जाते हैं, स्कूलों में बम फूट जाते हैं, बसों में बम फूट जाते हैं। तो ये तो देखिए ये सब जगह हो रहा है मुसलमानों के साथ। और जो करने वाले लोग हैं ना उन्हें अल्लाह का खौफ है, ना समाज का खौफ है, ना किसी का खौफ है, तो करते जा रहे हैं, हर जगह ऐसा ही है। हिंदुस्तान का मुसलमान महफूज है? क्यों रोना रोए कि भाई हिंदुस्तान में हमारे साथ ऐसा हो रहा है? जब हमारे मुसलमान मुल्क में हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हिंदुस्तान में तो और भी ज्यादा होगा। यहाँ तो बल्कि अगर कहा जाए दूसरी जबान में, हम पाकिस्तान से ज्यादा सेफ है, यहाँ कम से कम मस्जिदों में बम तो नहीं फूटते। लेकिन आप लोग ये छोटी छोटी बातों पे के बीफ के ऊपर झगड़ा हो रहा है और ये सारी चीजें जो मुसलमान करते हैं जबकि वो एक हिंदू देश में रहते हैं, उनको पता है कि मेजॉरिटी हिंदूज की है, तो आप लोग ये अवॉइड क्यों नहीं करते कि आप ये जो कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के अलावा भी जो गाय का गोश्त और एक बीफ का जो कल्चर है तो उसको खत्म क्यों नहीं कर देते?
जब लोगों का दिल दुख रहा है, उनके सारे सेंटिमेंट्स हैं उनके, उनको नहीं अच्छा लग रहा। गाय का गोश्त खाता कौन है मुसलमान? कोई भी नहीं खाता, कोई मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता, ना मुसलमान का ना गाय का गोश्त काटा जाता कहीं हिंदुस्तान में। हमने जो अक्सर देखी है जो जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, उन एक्सपोर्ट कंपनियों में काटा जाता है, मुसलमान तो नहीं काटता कोई भी। बल्कि अच्छा। आपको तो पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था 1400 साल पहले कि गाय के गोश्त में बीमारी है, उसके दूध में शिफा है। जो इस्लाम को मानता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, तो वैसे भी गाय का गोश्त नहीं खाएगा। तो आपका कहना ये कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो गाय का गोश्त नहीं खाता, कुर्बानी नहीं भी नहीं करता, नहीं करता। और वो जो खबरें आया करती हैं, न्यूज आया करती हैं कि ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, आपके ख्याल से वो सब फेक है? वो सब देखिए, वो सियासी झगड़े हैं, सब सियासी झगड़े हैं। हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, एक दूसरे के साथ सामने खड़ा करने के लिए, ये सब सियासी फंडे हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये मजेदार डिबेट आपको काफी पसंद आएगी, जहां पे आपने देखा आरजू काजमी के तीखे सवालों का जलेबी की तरह गोल गोल जवाब दिया साजिद मौलाना रशीदी ने। तो आशा करता हूँ ये मजेदार डिबेट आपको काफी पसंद आएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।